सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर में आप सभी बच्चों का सहृदय स्वागत है। आगे हम प्रश्नावली 8.1 का 9वां सवाल पढ़ेंगे शेष में। इसमें दिया है यदि टैन ए बराबर 1/√3 तो मान ज्ञात करना है। पहला साइन ए इंटू कास सी प्लस कास ए इंटू साइन सी। अब देखें यहां पर त्रिभुज ए बी सी बना है, बी समकोण दिया हुआ है। अब दे रहे हैं कि टैन ए बराबर 1/√3। अब यहां देखें त्रिभुज ए बी सी बना हुआ है, यह जानते हैं कर्ण है, वो कर्ण ही रहेगा। संपूर्ण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जो है वो हमेशा कर्ण रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन लंब और आधार हमेशा बदलते रहते हैं। जब ये हमेशा बदलते रहते हैं, कारण होगा बदलने, हमेशा थोड़ी ऊपर नीचे होते रहते हैं। उसका कारण यही है, जब यह कोण पूछा रहे तो उससे लगी हुई छोटी भुजा सदैव आधार होगी, तब हम इसको आधार मानते हैं। अगर कोण सी पूछा हुआ है तब आधार ए हो गया, कर्ण पहले से ही मालूम, आधार ये हो गया तो बचा कौन, लंब। जब यह कोण पूछा हुआ है तो इससे लगी हुई छोटी भुजा आधार हो गई, कर्ण पता ही है, कौन बचा इधर, तब लंब बचा। तो यही आसानी से हम समझ सकते हैं कि टैन ए यह पूछा हुआ है। देखो टैन ए, अब टैन ए बराबर आप लोग पहले बता चुके कि लाल बटे काका, इसका जिक्र कर चुके हैं, बार बार कर रहे हैं। साइन काश टैन, इसको आप पढ़ लीजिएगा, साइन काश टैन, साइन का उल्टा काश सेक, काश का उल्टा सेक, टैन का उल्टा काट होता है। तो टैन बराबर लंब बटे आधार। अब टैन दिया हुआ है टैन ए लंब बटे आधार, लंब का क्या होगा आपका एक, कहां लिखेंगे, ये लंब होगा ना, क्यों होगा, क्योंकि ये पूछा आधार हो गया, तो लंब हमारा कौन सा हो गया, ए हो गया, ए लंब बटे आधार। आधार क्या होगा आपका, √3। टैन ए बराबर लंब बटे आधार, लंब एक हो गया, आधार क्या हुआ, √3। अब हम निकालेंगे क्या, कर्ण पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर लेंगे कि सबसे बड़ी भुजा पर बना वर्ग शेष दोनों छोटी भुजाओं पर बने वर्गों की योग के बराबर होता है। तो कर्ण आपका है AC, AC वर्ग बराबर AB वर्ग धन BC वर्ग। AC वर्ग बराबर AB आपका कितना है, AB √3 वर्ग धन BC 1 का वर्ग। AC वर्ग बराबर √3 का वर्ग, √3 × √3 कितना हो जाएगा भैया, √3 × √3 बराबर, रूट कितना हुआ, 3 × 9, और 9 रूट का मतलब होता क्या है, रूट कुछ नहीं लिखा हो या यहां पर ऐसे दो लिखा हो तो दोनों एक ही चीज है, इसका मतलब होता है क्या, वर्ग मूल। रूट का मतलब क्या हो गया, वर्ग मूल। तो इसका वर्ग 9 हुआ, 9 का वर्गमूल कितना हुआ, 3 धन 1 का वर्ग, 1 × 9 = 1। AC वर्ग बराबर कितना, दोनों जोड़ लिए 4, AC बराबर वर्गमूल कितना आ गया, 2। तो कर्ण आपका AC ये है, मिला कितना, 2 मिल गया हमको, ज्ञात हो गया। जब हमको यह मिल गया, अब हमको मान निकालना किसका, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी का मान ज्ञात करना है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम मान ज्ञात कर लेते हैं, देखें साइन ए, साइन बराबर बताया आप लोगों को लंब बटे कर्ण, पूछा क्या है ए, साइन ए है तब लंब कौन होगा, एक होगा, क्योंकि उससे लगी हुई छोटी भुजा क्या हो गई, आधार हो गई। साइन बराबर लंब बटे कर्ण होता है, लंब कितना हो गया, 1 बटे कर्ण कितना है, 2, यहां मल्टीप्लाई। अब दे रहे कॉस सी,
काश बराबर पहले देखेंगे क्या होगा, आधार बटे कर्ण। अब पूछा क्या है, दिया है कौन, सी दिया है ना, सी कहां पर है, सी हमारा यहां पर है भाई, देख रहे हैं, तो सी यहां पर है, तो इससे लगी हुई छोटी भुजा आप लोगों क्या बताए हम, कि लगी हुई छोटी भुजा क्या होगी, लगी हुई छोटी भुजा आधार होगी, तो आधार इसमें काश बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार क्या है, एक ही तो है ना, और कर्ण क्या है, कर्ण आपका दो है प्लस। अब की बार पूछा है काश ए, ये पूछा है काश बराबर आधार बटे कर्ण ही होगा, जब ए पूछा है तो आधार आपका क्या हो गया, रूट तीन बटे कर्ण, कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं। अगला है साइन सी, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लेकिन कोट पूछा है सी, साइन सी, तो साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण, सी पूछा है तो लंब कौन होगा, ए होगा, रूट तीन बटे कर्ण क्या है आपका दो। अब इसका हम गुणा कर लेंगे, एक एकन्नम एक, दो दूनी चार, धन रूट तीन गुड़े रूट तीन, अभी बताया आप लोगों को रूट तीन गुड़े रूट तीन, तीन त्रिका नौ, रूट का मतलब होता है वर्गमूल, नौ का वर्गमूल आपका कितना मिल गया तीन बटे दो दूनी चार। अब इसको ऐड कर लेंगे, जब हर बराबर हो तो अंश जुड़ जाता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक धन तीन वर्ग बटे चार, तीन एक चार बटे कितना आ गया चार, चार चार कट गया, मिला क्या आपको एक, इसका मान आपको मिल गया कितना एक। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर नाइन का पहला बता दी, इसी प्रकार से आपका रोमन अंक में दूसरा भी है, इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, सवाल नंबर दस। सवाल नंबर 10 देखें, इसमें पी क्यू आर दिया हुआ है भैया, इसमें दिया है पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में जैसे का क्यू समकोण है, तो यहां हम पहले क्यू लिख लेते हैं, अब चाहे पी यहां लिख ले, चाहे यहां लिख दे, चाहे आर यहां लिख दे, चाहे वहां लिख दे, क्यू केवल दिया है क्या 90, तो यहां हम लिख दिए पी, यहां क्यू, यहां पर आपका हो गया भैया आर, पी क्यू आर, जिसमें क्यू समकोण है। अब दे रहे हैं पी आर और क्यू आर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू 5 सेंटीमीटर, पी क्यू यहां पर है, इसको दे रहे हैं 5 सेंटीमीटर, यहां ध्यान देना है, साइन पी कास पी और टाइन पी का मान, साइन कास और टाइन का मान ज्ञात करना है, जिसमें पी आर क्यू आर 25 सेंटीमीटर, देखें पी आर और क्यू आर इन दोनों का योगफल, आधार का भी और कर्ण का भी, दोनों का क्या है, दोनों का योगफल कितना दिया है 25 सेंटीमीटर, तो मान लेते हैं क्यू आर बराबर, चलो भाई देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10, माना क्यू आर बराबर एक्स सेंटीमीटर। अब हम मान लिए भाई ये कितना हो गया एक्स सेंटीमीटर, जबकि दोनों का योगफल कितना था 25 था, माना क्यू आर इतना, जबकि पी आर प्लस क्यू आर इक्वल कितना 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जिसमें क्यू आर हम क्या मान लिए पी आर धन क्यू आर हम एक्स मान लिए बराबर 25 सेंटीमीटर, तो पी आर बराबर 25, इसको पक्षांतर कर दिए उधर माइनस एक्स, तो पी आर हमको कितना मिल गया 25 माइनस एक्स, ये हमारा क्या है कर्ण है 25 माइनस एक्स, ये हमको प्राप्त हो गया ठीक, और क्यू आर कितना माने थे एक्स माने थे। अब हम देखें हमको पी आर और क्यू आर अलग अलग मिला, अब इसको हम निकाल लेते हैं, हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा पर बना वर्ग शेष दोनों छोटी भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है, पहले इसको हम ज्ञात कर लेते हैं,
पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि पी आर वर्ग, पी आर वर्ग कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों छोटी भुजाओं पर हो जाएगा आपका पी क्यू वर्ग धन क्यू आर वर्ग। पी आर कितना है 25 माइनस एक्स स्क्वायर, पी क्यू 5 के वर्ग धन क्यू आर एक्स। अब यहां पर देखते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर माइनस टू ए प्लस बी स्क्वायर, 25 का वर्ग माइनस टू मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहां पहला पद ऋण दूसरा पद पूरे की घात दो बराबर पहले पद की घात दो, ऋण दो गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद धन दूसरे पद की घात दो हो जाएगा आपका इक्वल। 5 का वर्ग हो गया 25 धन एक्स का वर्ग। अब देखिए यहां पर हो जाएगा हमारा 25 का वर्ग 25 गुणे 25 25 25 सामने 625 25 दूनी 50 यक्ष धन यक्ष का वर्ग बराबर 25 धन यक्ष का वर्ग। अब क्या करेंगे पक्षांतर कर लेंगे हम, ऋण 50 यक्ष इधर लाएं धन यक्ष स्क्वायर बराबर 25 उधर ले जाएंगे 625 तो क्या हो जाएगा ऋण 625 पक्षांतर करने पर चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। यहाँ कुछ नहीं यहाँ धन है बराबर के उधर ले गए इसको ना 625 को तो ऋण 625 हो गया। ये तो पहले से ही 25 था यहाँ पर था तो अब भी बराबर के दाहिनी तरफ है अब भी धन ही है। यहाँ पर देखे ये धन एक्स स्क्वायर था इधर जब उसको ले आएंगे तब क्या हो जाएगा यहाँ पर ये तो पहले से ही एक्स स्क्वायर इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये प्लस माइनस क्या हुआ लैप्स हुआ माइनस 50 एक्स बराबर ऋण 625 और 25 है जैसे आप किसी से कर्ज लिए थे मान लीजिए कितना लिए 625 रुपया ऋण लिए थे या कर्जा लिए थे उधार लिए थे उसको धन 25 दे दिए तो ऋण कितना बचा हुआ अभी 600 रुपये कितना बचा है 600। अब ये माइनस माइनस का भाग प्लस हो जाएगा कट जाएगा एक्स बराबर 600 बटे कितना हो गया 50 एक शून्य का काट दिया एक शून्य का 5 एक कम 5 एक 6 होता है ना 5 दूनी 10 एक्स बराबर हमको मिला कितना 12 एक्स यही माने थे हमको कितना मिल गया 12 सेंटीमीटर कितना मिला 12 सेंटीमीटर ये हमको मिल गया 12 सेंटीमीटर। अब दोनों का योग कितना था 12 एक्स हो गया यहीं पर रख देते हैं मानना 25 ऋण यक्ष का मान कितना आया 12 कर्ण हमारा कितना हो गया 13 सेंटीमीटर कर्ण मिल गया कितना 13 सेंटीमीटर इतना आया समझ में। अब इसका हम मान निकाल लेते हैं भैया देखिए मान इसका निकालना किसका साइन पी कॉस पी और टाइन पी का साइन पी कॉस पी और टाइन पी का मान निकाल लेते हैं मान निकालेंगे साइन पी कॉस पी टाइन पी साइन पी कॉस पी और टाइन पी। अब देखें साइन पी पी यहां कह रहा है यह कोण पूछ रहे हैं ना तो ये कोण पूछे इससे लगी हुई ये भुजा छोटी क्या हो जाएगी आधार हो जाएगी जब ये आधार हो जाएगी तो लंब हो जाएगी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना है तब ये लंब हो जाएगी। अभी आपको बताए थे कि लाल बटे कका लाल बटे कका याद रखेंगे भैया ये साइन ये कास थीटा हो फाई हो साई हो जो कुछ भी दिया हो ये कासिक ए सिक और ए कान ये तीनों साइन का कासिक कास का सिक टैन का
काट क्या उल्टा सीधा संबंध है, साइन बराबर लंब बटे कर्ण होगा तो काश के बराबर होगा कर्ण बटे लंब, काश बराबर आधार बटे कर्ण होगा सिक बराबर कर्ण बटे आधार, और टाइन बराबर लंब बटे आधार होगा तो काट बराबर आधार बटे लंब होगा। इसको लाल बटे का और ए सीरियल से याद कर लेंगे। अब देखिए इसमें साइन पी पूछा, एक कोण पूछा है, जो कोण पूछा है उससे लगी हुई छोटी भुजा सदैव क्या होगी आपकी आधार होगी, तो ये आपका आधार हो गया। अब साइन बराबर होता क्या है लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण, ये मालूम है लंब बटे कर्ण। अब पूछा है साइन पी तो ये आधार हो गया, लंब आपका क्या हुआ क्यू आर, कितना हुआ 12 सेंटीमीटर, और कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर, 12 बटे कितना आ गया भैया 13, ये कैंसर हो गया। अब है अगला काश पी, यही पूछा है काश पी बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आराम से देख लेते हैं आधार बटे कर्ण। अब काश पी इससे लगी छोटी भुजा आधार होगी, आधार कितना है 5, कर्ण में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है 13 ही होगा भैया। अगला क्या है टैन पी, टैन बराबर लंब बटे आधार, टैन पी पूछा है तो लंब क्या होगा ना इससे लगी हुई छोटी भुजा आधार होगी, लंब कितना है लंब बटे आधार, तो टैन पी पूछा लंब कितना है 12 सेंटीमीटर, और आधार कितना है 5 सेंटीमीटर, ये आंसर है। दसवें तक हो गया। इसके बाद है देखें बच्चों आगे सत्य, सत्य है टैन का मान सदैव 1 से कम होता है सत्य, कोण 1 के किसी मान के लिए सेक ए 12/13, देखिए इसमें दे रहे हैं कि सेक ए बराबर 12/13, चले इस पर चर्चा कर देते हैं, एक ग्राहक दूसरे पर उसे यही समझा देते हैं थोड़ा सा, ये समझ में आ गया आप लोगों को। देखिए इसी त्रिभुज पर ही निर्धारित है एक ग्राह सॉल्व, इससे आप लोग चर्चा कर देते हैं, ये हमेशा ध्यान रहे आप लोगों को कि कर्ण भी यह कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसमें कौन आधार है कौन लंब है परिवर्तित होता रहता, सबसे बड़ी भुजा क्या होती कर्ण होती है। अब इसमें देख रहे हैं ये सवाल देखने में आ रहा है कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/13, देखें सेक सेक ए बराबर कह रहे हैं कि 12/5, देख लें भाई सेक सेक कहाँ है यहां पर है कर्ण बटे क्या है आधार, क्या है कर्ण बटे आधार, तो ये आपका कर्ण है और क्या है आधार है, तो से के बराबर जब कर्ण बटे आधार हो कर्ण सबसे बड़ी भुजा है बड़ा है ये, और ये आधार कितना है 5, हो सकता है ना सत्य हो गया। आगे देखें का से कोण के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप से काटे काटे के गुणनफल किसी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/5, चले देखते हैं 4/3, पांचवा थोड़ा सा हम देख लेते हैं, पांचवे में दे रहे हैं किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3, चलो भाई थीटा के लिए कह रहे हैं कि साइन थीटा 4/3 संभव है, देखते हैं कि नहीं, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, क्या होता है लंब बटे कर्ण, ठीक ये तो जान गए हम लंब बटे कर्ण होता है, और दिए क्या है इसमें 4/3 दिए हैं, क्या दिए हैं 4/3, कर्ण सबसे बड़ी भुजा है और यहां दे रहे हैं कर्ण छोटी हो गई किससे लंब से, लंब से कर्ण छोटी हो सकती है कभी नहीं छोटी हो सकती है, इनका एक कथन क्या है सही नहीं है भाई, गलत है जो कह रहे हैं असत्य है। तो ये प्रश्नावली आपकी समाप्त हुई।